नमस्कार मित्रों, इससे पहले वाली क्लास में हमने अंक विभाजन देखा था कि आपके पेपर जो है वो कितने कितने अंक का आएगा, कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। और आज की क्लास के लिए मैंने आपको बताया था कि अपन जो है निबंध व्यंग जो पुस्तक है अपनी निबंध व्यंग ये निबंध विभाग में आपकी जो है ना छः निबंध जो लगा रखे हैं। ये छः निबंधों में से पहला जो आपका निबंध है वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। और इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास इसके लेखक कौन है, निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का हम सामान्य परिचय जो है पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है जन्म जो है 3 जून 1844 में इनका जन्म होता है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 में इनका जन्म होता है। और निधन जो है 30 जुलाई 1914 में इनका जो है निधन होता है। भारतेंदु युग में कविता, उपन्यास एवं कहानी आदि विधाओं पर रचनाकारों ने लेखनी चलाई है। भारतेंदु युग देखिएगा, आधुनिक जो काल है उस आधुनिक काल को विभिन्न युगों में विभाजित करके हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक काल का पहला जो युग है सुविधा के अनुसार अध्ययन के अनुसार तो पहला जो उसका युग है वो है भारतेंदु युग। और इस भारतेंदु युग में जो है कविता है, उपन्यास है, कहानी आदि विधाओं पर जिन रचनाकारों ने लेखनी चलाई है उनमें बालकृष्ण भट्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार है। परंतु सफलता की दृष्टि से निबंध विधा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। वास्तव में हिंदी निबंध विधा का प्रारंभ भारतीय युग से ही माना जाता है। निबंध जो विधा है इस निबंध विधा का जो प्रारंभ है वो भारतीय युग से ही माना जाता है। जब हम निबंध का उद्भव विकास का अध्ययन करते हैं तो उस निबंध के उद्भव विकास में भारतेंदु काल से हम निबंध का प्रारंभ मानते हैं। तो भारतेंदु युग से निबंध का उद्भव विकास प्रारंभ होता है। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त के साथ बालकृष्ण भट्ट का निबंध लेखन में ऐतिहासिक महत्व है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुली आलोचना की। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है ये एक पत्रिका जो है वो प्रकाशित करते थे या एक पत्रिका निकालते थे। इस पत्रिका के बारे में अक्सर जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। तो हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका का नियमित प्रकाशन करते थे। और इस हिंदी प्रदीप कविता में ये जो है अंग्रेजों की जो अत्याचारपूर्ण जो नीतियाँ होती थी उन अत्याचारपूर्ण नीतियों का ये जो है आलोचना करते थे या उसका विरोध करते थे इस पत्रिका के माध्यम से। ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुली आलोचना की। भट्ट जी अत्यंत निर्भीक, सूझबूझ वाले, दृढ़ निश्चय तथा अभिव्यक्ति पूर्ण निबंधकार थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो निर्भीक थे। यानी हिंदी पत्रिका के माध्यम से वे अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली थी, उनकी जो नीतियाँ थी जो हमारे लिए अत्याचारपूर्ण होती थी उसका वो हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से खुली आलोचना करते थे, खुला विरोध करते थे निर्भीक रूप से। तो बालकृष्ण भट्ट जो है निर्भीक थे, अत्यधिक सूझबूझ वाले थे और दृढ़ निश्चयी थे। यानी एक बार जो मन में जो ठान ले कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर उनको उनके पद से कोई हटाने वाला नहीं था। यानी वो उस पथ पे फिर आगे चलेंगे ही। परतंत्र भारत में साहित्यकारों को दो दिशाओं में अपनी लेखनी का साधना पड़ता था।
प्रथम जनता को अशिक्षा, कमजोरियां, कुरूति और अंधविश्वासों से जकड़ों से बाहर निकालना। यानी परतंत्र जो भारत है या हमारा जो है गुलामी वाला जो भारत था, इस परतंत्र भारत में जो साहित्यकार होता था उस साहित्यकार को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता था, दो मोर्चे। तो इसमें पहला जो मोर्चा था वो मोर्चा ये था कि हमारी यहाँ की जो जनता थी, हमारी यहाँ की जो यहाँ के जो लोग थे वे अत्यधिक अविश्वासी थे, अशिक्षा थी उनमें, और जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी, सामाजिक कुरूतियाँ थी। तो इन सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरूतियों और अशिक्षा, इनसे साहित्यकार को लड़ना पड़ता था या समझाना पड़ता था भारतीय जनता को। तो परतंत्र भारत में साहित्यकारों को दो दिशाओं में अपनी लेखनी को साधना पड़ता था। यानी भारत की जो जनता थी उस भारत की जनता की दशा के पर भी वो जो है लेखनी चलाते थे। यानी उनको कैसे जो है साहित्य के माध्यम से उस जनता को कैसे सुधारा जाए। द्वितीय, पहले तो ये कि भारतीय जनता पर लेखनी चलाते थे, अभी भारत की जनता जो है उसकी मनोदशा क्या है और उस मनोदशा को कैसे सुधारा जाए, जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी, जो सामाजिक कुरूतियाँ थी, जो अशिक्षा थी, उसको कैसे जो है उसको दूर किया जाए। दूसरा जो मोर्चा था वो ये था कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ हैं उन अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। यानी अपने साहित्य में वो साहित्यकार दो मोर्चों की लड़ाई लड़ रहा है, एक तो भारतीय जनता की जो स्थिति है उसके ऊपर वो अपना जो है ना लिख रहा है, दूसरा वो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियाँ थी या जो अत्याचारपूर्ण नीतियाँ थी उन अत्याचारपूर्ण नीतियों पर भी साहित्यकार को जूझना पड़ता था। साहित्यकार को अपनी लेखनी में अंग्रेजों का विरोध जो है करना पड़ता था। अंग्रेजों की लूट खसोट, अत्याचार, उत्पीड़न तथा पक्षपातपूर्ण सोच को उड़ेल कर खोलना, यही कारण है कि उनके समूह निबंधों के लिए विषयों की कमी कभी भी उपस्थित नहीं हुई। इनके द्वारा लिखे गए निबंधों की बानगी इस प्रकार की कहानी, यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बहुत सारे जो है निबंध लिखे गए और उन निबंधों में जो है उन्होंने भारतीय समाज की जो कुरीतियाँ थी या भारतीय समाज की जो तत्कालीन जो स्थिति थी उस भारतीय समाज की तत्कालीन स्थिति का भी जो है उन्होंने चित्रण किया है। और अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय जनता के ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे, जो कुशासन था या जो उत्पीड़न किया जाता था भारतीय जनता का, उसका विरोध भी तत्कालीन साहित्यकार जो है करते थे। और यही कारण है कि उन समय के जितने भी लेखक थे, जितने भी साहित्यकार थे, उनके पास विषय वस्तु जो है उस विषय वस्तु की कोई कमी नहीं होती थी। यानी निबंधों को लेकर के उनके पास सामाजिक विषय भी हुआ करते थे, उनके पास राजनीतिक विषय भी हुआ करते थे, उनके पास धार्मिक विषय भी हुआ करते थे। यानी धार्मिक विषय भी है, राजनीतिक विषय भी है, सामाजिक विषय भी है और आर्थिक विषय भी है। तो मनुष्य जीवन से संबंधित जो है, संपूर्ण मनुष्य जीवन से संबंधित उनके पास विषय थे। जैसे सामाजिक विषय के रूप में अपन जो है सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उनको अपन देख सकते हैं कि सामाजिक रूढ़ियों पर भी इस काल में भारतेंदु युग में जो है अत्यधिक जो है निबंध लिखे गए हैं। चलो हम जो है बालकृष्ण भट्ट का और जो है परिचय हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।